best wishes from my side to all the students of 10th and 12th class of year 2021 who are waiting eagerly for their result to be declared. Best of luck. Hello, friends, all the principals and teachers of the CBSE affiliated schools, as well as the students. This video is just for you, especially the students of 10th and 12th class of session 2021, because I know you are eagerly waiting for your result. मगर आपको रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी, और वो रोल नंबर क्योंकि आपने बोर्ड का एग्जाम डायरेक्ट नहीं दिया फाइनल, आपको डायरेक्ट रोल नंबर इशू नहीं हुए. बट आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट सीबीएसई हैज डेवलप्ड अ मैकेनिज्म ऑन देयर वेबसाइट विद हेल्प ऑफ विच यू कैन फाइंड आउट योर रोल नंबर. यस, आप अपना रोल नंबर खुद पता कर सकते हैं. सीबीएसई की वेबसाइट पर उन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसकी हेल्प से. तो कैसे काम करता है ये सॉफ्टवेयर, लेट मी शो यू. आई विल टेक यू डायरेक्टली टू द सीबीएसई वेबसाइट. ये देखिए, ये है सीबीएसई वेबसाइट. मैंने सारी टैब्स पहले से ओपन कर रखी हैं, बिकॉज आई नो कि बहुत से स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये रोल नंबर फाइंडर के बारे में पता चल चुका है और वो अपना रोल नंबर फाइंड कर रहे हैं. इस वजह से सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर बहुत लोड है इस समय, बहुत प्रेशर है, बहुत ट्रैफिक है, जिसकी वजह से साइट खुलने में देर हो रही है. स्पेशली अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है तो साइट बहुत बार खुल नहीं रही है. लेट मी शो यू. सबसे पहले हमें ये सीबीएसई की साइट देख लीजिए, cbse.gov.in. यहाँ जाकर हमें नई वेबसाइट, ये न्यू वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करना है. तो इसके बाद ये देखिए, अभी भी साइट कैनॉट बी रीच्ड, ये मैसेज बार बार फ्लैश हो जाता है. ये फर्स्ट पेज आपके पास ओपन होगा. इस फर्स्ट पेज पर प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है आज, इसे सुनिएगा जरूर. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको काफी डिटेल्स मिलेंगी. चलिए हम अपने टॉपिक पर वापिस आते हैं. ये रहा, जब हम स्क्रोल डाउन करेंगे तो ये रोल नंबर फाइंडर सीबीएसई ने एक नया टैब इंट्रोड्यूस किया है अपने मेन पेज के ऊपर. आपको इसी को क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे इस पेज के ऊपर. यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आपको प्रेस करना है. जैसे ही आप कंटिन्यू को प्रेस करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस पेज के ऊपर, जहाँ पर आपको दिखाई देगा प्लीज सिलेक्ट योर क्लास. तो 10th और 12th में से आप कोई भी क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं. एक मिनट आपको ये दिखा दूं. देखिए, जैसे मैंने बोला था, जब हम क्लिक कर रहे हैं किसी भी टैब पर तो सर्विसेज अनअवेलेबल बताता है. ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक की वजह से है. आपको बार बार ट्राई करना होगा उसी ऑप्शन को, बार बार रीलोड करना होगा पेज को, तब जाके आपके पेजेस भी ऐसे ही खुल जाएंगे जैसे मैंने खोल रखे हैं. मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं इसलिए मुझे कोई ट्रबल नहीं हो रहा इस वीडियो को बनाने में, मगर हो सकता है आपको बार बार रीलोड करना पड़े या रिविजिट करना पड़े. तो घबराइएगा मत, पेशेंस लूज मत कीजिएगा, ट्राई करते रहिएगा, हो जाएगा. जब आप इसमें से कोई भी एक क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, सपोज मैंने क्लास 10 को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये ऑटोमेटिकली इस पेज पर ले जाता है. मगर जैसे मैंने आपको बताया, सर्वर इज अनअवेलेबल ही बता रहा है बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, तो यू कैन रीलोड. तो आप पहुंचेंगे इस पेज के ऊपर. यहाँ पर 10th क्लास का आप रोल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए डिटेल्स दे रखी हैं सीबीएसई ने. तो एज यू कैन सी, कैंडिडेट नेम आपको फिल करना है इस कॉलम में, आपका अपना नाम. स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए. अगर आप स्पेलिंग्स में एरर करोगे तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा या मैच नहीं करेगा. इसके बाद आपको फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है, और आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट फर्स्ट फिर मंथ और फिर ईयर. इस फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है. बाकी चीजें तो मैं नहीं फिल करूंगा, बट आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करके यहाँ पे दिखा देता हूँ. इस तरह से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल यहाँ पे करनी है.
उसके बाद आपको सर्च डेटा को प्रेस करना है तो आपको आपका रोल नंबर इश्यू हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, जिसको आप बाद में यूज कर सकते हैं। अब अगर आप 10th की जगह पर 12th की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर 12th क्लास का रोल नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। इसके लिए आपको कैंडिडेट्स नेम फिल करना है, फिर से आपका अपना नाम, बच्चे का नाम, फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है। ये तीनों चीज़ें पहले की ही तरह हैं, मगर एक चेंज है 12th क्लास और 10th में। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ की जगह पर आपका स्कूल कोड फिल करना है। हर एक स्कूल के पास जो CBSE से एफिलिएटेड है उनके पास अपना एक यूनिक स्कूल कोड होता है। वो स्कूल कोड स्कूल की वेबसाइट पर भी मेंशन होता है। आप CBSE साइट में एफिलिएटेड स्कूल्स की लिस्ट देखेंगे, वहां भी आपको मिल जाएगा। या फिर सबसे आसान तरीका है, आप अपने स्कूल से ही स्कूल कोड ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा स्कूल कोड क्या है। तो ये चारों चीजें फिल करने के बाद जैसे ही आप सर्च डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना 12th क्लास का रोल नंबर भी इशू हो जाएगा। इन रोल नंबर्स की हेल्प से आप अपना रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यूट्यूब पर मुझसे कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, श्योरिटी किसी को नहीं है, मगर एक चीज की श्योरिटी है कि CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके बताया था कि वो 31 जुलाई 2021 तक 10th और 12th दोनों क्लासेस का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। आज 29 जुलाई है, केवल 2 दिन बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि 31 जुलाई तक कम से कम 10th और 12th दोनों क्लासेस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और रिजल्ट देखने में ये रोल नंबर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये जानकारी अभी तक जिन प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को और बच्चों को और पेरेंट्स को नहीं है, प्लीज़ उन सबके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना रोल नंबर फाइंड आउट करके रख लें और रिजल्ट देखने में उनको कोई दिक्कत पेश ना आए। जल्दी से जल्दी जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो तुरंत वो अपना रिजल्ट देख पाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा है तो जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, इस हेल्प के बदले में छोटी सी हेल्प आप मेरी भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर। जी हाँ, इन वीडियोस को बनाने में मेहनत तो लगती है और उस मेहनत का रिवॉर्ड आपके इसी प्यार के रूप में जैसे ही मिलता जाता है तो आगे और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वॉचिंग। प्रिंसिपल रसिक गुप्ता, बेस्ट विशेज from my side to all the students of 10th and 12th class of year 2021 who are waiting eagerly for their result to be declared. Best of luck.